हे फ्रीज, वेलकम टू किरण्स क्विजिन किचन। तो आज मैं बना रही हूँ कैफे स्टाइल गार्लिक ब्रेड, जिसे हम तवे पे बनाएंगे और ये 5 मिनट में बनके रेडी हो जाती है। तो आप रिज़ल्ट तो देख ही सकते हैं कितनी अच्छी गार्लिक ब्रेड बनी है। तो चलिए फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है 4 टेबल स्पून बटर है, ये अमूल का सॉल्टेड बटर है। और जो बटर ले रहे हैं वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। बटर को गलती से भी आपको गरम करके नहीं लेना है। उसमें मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून गार्लिक। गार्लिक को मैंने हमाम दस्ते में कूट के डाला है, या फिर आप बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं। उसके साथ साथ थोड़े से मैंने डाल दिए हैं इसमें कोरिएंडर लीव्स, ये ऑप्शनल है। अगर आपको धनिया पत्ती नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, बट मुझे बहुत पसंद है धनिया, तो इसलिए मैंने इसमें डाला है। इन सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारा गार्लिक बटर जो है रेडी हो गया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे वाइट ब्रेड ले ली है, आप चाहे तो ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। बटर की एक थिक लेयर लगाएंगे ब्रेड पर, कॉर्नर्स को बहुत अच्छे से कवर करना है। अगर आप अनसॉल्टेड बटर यूज़ कर रहे हैं, मीन्स वो वाइट वाला बटर, तो आप थोड़ा सा सॉल्ट मिला सकते हैं गार्लिक जब ऐड करते हैं आप बटर में। उसके बाद मैं इस पर लगा रही हूँ मोज़रेला चीज़। अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ नहीं है तो आप नॉर्मल प्रोसेस्ड चीज़ जो आता है वो भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो अब मैंने इसके ऊपर लगा दिया है चिली फ्लेक्स, मिक्स्ड हर्ब्स और ओरिगैनो। ये मार्केट में बहुत ही इजीली आपको मिल जाएंगे, या फिर आप ऑनलाइन भी इसे ख़रीद सकते हैं। तो आज मैं इसे तवे पे बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक मोटे बेस वाला डोसे का तवा यूज़ किया है। गैस का फ्लेम एकदम स्लो रखना है और इसे 2 से 3 मिनट के लिए हम सेक लेंगे। आप इसे ओवन में भी बेक कर सकते हो। जब चीज़ बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाती है तो आप एक बार लिड हटा के चेक कर ले। तो ये हमारी जो गार्लिक ब्रेड है बनके रेडी है, अभी बहुत गर्म है तो मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ। जब ब्रेड गर्म होती है और चीज़ गर्म होता है, तब आप देखिए इस तरह से चीज़ को खींचेंगे तो चीज़ की जो तार होगी, या फिर जिस तरह से ये खींचता है मोज़रेला चीज़, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और टेम्पटिंग लगता है। बच्चे स्पेशली यही देख के जो गार्लिक ब्रेड खाना पसंद करते हैं। बट ये भी है कि अगर एक बार मोज़रेला चीज़ या फिर ब्रेड ठंडी हो जाती है तो इस तरह फिर आप खींचेंगे ब्रेड को, तो चीज़ जो है इस तरह नहीं खींचा जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा जुगाड़ मैंने किया है, मैंने एक साथ जो है 4 ब्रेड सिकने के लिए रख दी है, ताकि टाइम भी बचे, गैस भी बचे। और इसे मैंने कवर किया है, इडली का जो कुकर होता है उसका ऊपर का जो लिड रहता है ढक्कन, उससे मैंने कवर कर दिया है। गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो रखा है और ये एक साथ में 4 गार्लिक ब्रेड जो है रेडी हो जाती है। ये देखिए, तो एक ब्रेड जो है मैं आपको पास में से भी दिखाती हूँ। ये देखिए चीज़ जो है बहुत अच्छे से मेल्ट हुआ है, बहुत ही क्रिस्पी बनी है गार्लिक ब्रेड। पीछे से टर्न करके भी दिखा देती हूँ मैं आपको। गार्लिक ब्रेड बनाते समय बटर और चीज़ दोनों ही रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, ताकि जब हम इसे बेक करें या फिर तवे पे सेकें तो ये बहुत ही जल्दी सिक जाती है और चीज़ बहुत जल्दी से मेल्ट हो जाता है। तो चलिए मैं इंजॉय करती हूँ गर्मा गर्म गार्लिक ब्रेड और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।